sports in India. Yes. Correct. Obviously, I think if the firm who's putting this forward will promote it better, it will definitely happen. I think consistency is the key to for any sport or anything to sustain. So I think the FFW tabhi sustain karega, FFW Indians tabhi sustain karega, and we can empower more Indians when we are consistent in this. Obviously. आप जितने लोग यहाँ पे उमड़ उमड़ के आए उससे पता चल रहा है ये इवेंट बहुत जबरदस्त था और हम इसको बहुत रॉक करने वाले. इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला आज तक हम लोग स्टार स्पोर्ट्स पे या किसी अच्छे बड़े चैनल पे इन सब चीजों को देख रहे थे, हमें लाइव देखने को मौका मिल रहा है. डेफिनेटली गाइस आप लोग भी इसके लिए जितना पॉजिटिव छाप सकते हैं छापे और हम लोग तो इस इवेंट का हिस्सा बने ही हैं. और मनु इंडिया में क्या फ्यूचर देखते हैं? इंडिया में डेफिनेटली मैं इसका फ्यूचर देखता हूं और मैं तो इनको कह भी चुका हूं आप आने वाले 5 साल का मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो. ऑडिशन करने वाले हैं रेसलर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं. यस नेक्स्ट टाइम ये लोग इसके ऑडिशंस करने वाले हैं, रेसलर्स को सिलेक्ट करेंगे और किसी में अगर कुछ कमी है तो उसको तैयार करेंगे ये लोग और भारत को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे. योगा इज वेरी गुड ब्रो, मैं इस बात को कह रहा हूँ, योगा इज वेरी गुड, बट योगा के साथ साथ अगर आदमी में हिम्मत और शक्ति भी होगी तो वो सारी चीजें अच्छे से कर पाएगा. तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ. Obviously, Indians को फाइटर बनाना है. Well, obviously बहुत अच्छा लगा and as you questioned me, I think it's amazing. I am always more welcoming for all the inspiring things and things that are coming up. Especially जो भी नई चीज आती है, I think हमें उसे promote करना जरूरी है. एग्जैक्टली तो मैं वही चाहती हूँ कि जब लोग अगर हमारा इंडिया कुछ नया कॉन्सेप्ट लाता है जो यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया गया है, सो आई थिंक हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. दैट्स द रीजन एक एक्टर आता है कुछ सपोर्ट को कुछ कॉजेज को सपोर्ट करने, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर, उसमें कोई डाउट नहीं है. और एंड हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं टू मेक इंडिया इवन मोर बेटर जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है. सो ऑब्वियसली जब ऐसी नई चीजों को इंस्पिरेशन मिलता है, थैंक्स टू द एंटायर टीम हुज ऑर्गेनाइज दिस, आई थिंक दे वर अमेजिंग. और कुछ नया लाना इतना ये करना, आई थिंक लाइक दीज आर द पीपल बिहाइंड दिस, यही है वो सारे चेहरे जिन्होंने इसको, क्योंकि नई चीज में इन्वेस्ट करना और इतना